हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, जय माता जय जगदम्ब, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा एस्ट्रोलॉजी में मूलभूत सिद्धांतों को लेकर चल रही है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसके अपेक्षा ज्योतिष जगत में एक ग्रह को लेकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। एक ग्रह के लिए आप कहने भय का वातावरण है, एक ग्रह ने भय व्याप्त कर रखा है या ज्योतिषियों ने उसको हब्बा बना रखा है। कुंडली में मांगलिक योग, शास्त्रकारों ने क्या कहा, इस जातक की कुंडली मांगलिक योग वाली है। योग शब्द जोड़ा, बाद में धीरे 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 चलते चलते मांगलिक दोष शब्द का निर्माण हो गया। दरअसल यह मांगलिक योग है, और जहाँ पे योग हो जाए वहाँ पे शुभ ही शुभ होता है, अशुभ नहीं हो सकता। तो फिर ये योग की जगह दोष कहाँ से आ गया, और फिर दोष लोगों ने क्यों जोड़ दिया, और ये मांगलिक योग होता क्यों है, ये दरअसल मंगल से ही क्यों बनता है और ग्रहों से क्यों नहीं बनता। तलाकवादी प्लेनेट एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में मंगल के साथ साथ सूर्य है, शनि है, तो सूर्य शनि से क्यों नहीं बना, सिर्फ मंगल से ही क्यों बना। और क्या 28 साल के बाद, आफ्टर 20 एज ईयर के बाद, यह मंगल मांगलिक दोष का या मांगलिक योग का निर्माण जो हो रहा है समाप्त हो जाएगा। ये जो हमारे शास्त्रकारों ने कहा है उसमें इसका क्या विधान है, कितनी प्रामाणिकता है, आज इस बात पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंगल जो है, मंगल का कारक है, शुभत्व का कारक है, मांगलिक कार्यों का कारक है। ठीक, मंगल अगर ना हो संसार में तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। मंगल ना हो तो संसार में भाग दौड़ ना होगी, इसलिए मंगल मांगलिक है, योग है, दोष नहीं है। सबसे पहले क्या करिए, मांगलिक योग है, दोष नहीं है। तो कुंडली में आप सबको पता है, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में, इन पांच घरों पे मंगल बैठे तो शास्त्रकार कहते हैं कि जातक है तो जातिका के लिए, और जातिका है तो जातक के लिए, लड़का है तो लड़की के लिए, लड़की है तो लड़का के लिए। सप्तम भाव में अगर इनकी दृष्टि युति है या इन पांच घरों पे दृष्टि युति है तब ये एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कहीं कहीं तो ये लिखा है कि एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। वैधव्य योग में भी इस बात की चर्चा है। तो ऐसा क्या है मंगल के साथ जो इस खौफ का वातावरण लोगों ने बनाया है? तो दरअसल पहले आप ये जान लीजिए कि मंगल से बिल्कुल खौफ नहीं करना है, डरना नहीं है महाराज। मंगल मांगलिक योगों का कारक है। क्यों मांगलिक योगों का कारक है? आपके रक्त में बहते हुए जो धमनियों में बहता हुआ जो रक्त है वो मंगल है। आपके हार्ट पे जो रक्त है ना वो मंगल है, वो अशुभ कैसे हो सकता है? अगर आपका हृदय का संचार, रक्त का संचार कुछ क्षणों के लिए रुक जाए, शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाए, आपका इंद्र एनर्जी खत्म हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। संसार में जो कुछ करता है वो मंगल ही तो करता है। मंगल तेज है, मंगल ऊर्जा है, मंगल संसार में सृजन की शक्ति है। ठीक, हाँ, यही मंगल अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो फिर संसार में मंगल विध्वंस भी है। आप देखें जो बड़े बड़े लोग हैं, कमिश्नर हो गए, IAS अधिकारी हो गए, PC अधिकारी हो गए, जनरल हो गए, या बड़े बड़े पहले सेनापति हुए थे, या आज भी बड़े बड़े लीडर हैं जो हार्ड डिसीजन ले रहे हैं देश के लिए, कड़े डिसीजन ले रहे हैं, वो मांगलिक है। तो मांगलिक होना एक योग है, ना कि दोष है। अब मंगल क्या है? मंगल ब्रह्मांड में सेनापति है, राजा से आर्डर लेता है और स्वतः आर्डर को फॉलो करता है, लोगों को आर्डर फॉलो करवाता भी है, आर्डर फॉलो भी करता है, आर्डर फॉलो करवाता है, सेनापति है, सिर्फ राजा की सुनता है और किसी की नहीं सुनता। इसलिए मंगल मांगलिक योग का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि जब अभी देखिए लगन में मंगल होगा तो सप्तम दृष्टि उसकी सप्तम भाव जीवन संगनी पे होगी, चतुर्थ में होगा चतुर्थ दृष्टि होगी, सप्तम में है तो है, द्वादश में बैठेगा तो अष्टम दृष्टि होगी, सिर्फ अष्टम भाव पे बैठे मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे नहीं होगी।
इसलिए मंगल से मांगलिक योग कहा गया। अब मांगलिक योग क्यों कहा गया? देखिए मंगल क्या है, एनर्जी का कारक है। अब जिस जातक के अंदर मांगलिक योग का निर्माण होगा उसके अंदर एनर्जी बहुत होगी, वो समाज में लोगों को अपने तरफ खिंचाव रखने वाला होगा, एक सम्मोहन शक्ति होगी। क्योंकि संसार खिंचता किससे है? ज्ञान से खिंचता है, साहस से खिंचता है, पराक्रम से खिंचता है। तो मंगल के अंदर पराक्रम है, मंगल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर लेता है अपने आप को, अपने आप को उपस्थित देता है, इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मंगल जीवन साथी के साथ अट्रैक्शन चाहता है, अपने साथी के साथ, अपने जीवन संगनी को वो कहीं और नहीं चाहता, सिर्फ अपने साथ ही चाहता है। अब अगर मंगल जो है बुरा ही होता तो शास्त्रकार यूं क्यों कहते हैं कि एक मांगलिक व्यक्ति से जिसके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, जिसके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर रिजिडपन ज़्यादा है, जिसके अंदर मारने वाली शक्ति है, जो दबा के रखता है, ऐसे लोगों की शादी मंगली से ही कराओ। भाई एक ही आदमी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दो को इकट्ठा कर लोगे और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। किंतु उनका जो मत था वो ये था कि उस प्रवाह को, उस तेज को, उस शक्ति को कौन संभालेगा? मंगल क्या है? शक्ति का कारक है, तेज का कारक है, सेनापति है, समाज में नेम फेम है। अभी उसकी पत्नी मान लीजिए नान मंगली है, ठीक, उसके तेज को सहन नहीं कर पा रही है और वो घर में उसको संतुष्टि नहीं हो रही है, तब क्या करेगा? समाज में और जगह जाके गंदगी फैलाएगा और वहाँ पे उसकी पत्नी उसका विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो मंगली नहीं है, डरेगी, डर रहेगा, वो डपड़ देगा, वो पीछे चली जाएगी। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा मंगली जातक को मंगली जाति का ही अवेलेबल कराई जाए, इसके साहस को, इसके धैर्य को, इसके तेज को यही जातिका धारण कर सकती है। समाज में जो विवाह नामक संस्था है वो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं है, वो हमारे समाज में गलत आचरण ना पैदा हो इसके लिए भी जिम्मेदार है। इसलिए अगर मांगलिक जातक की शादी मांगलिक जातिका से कराई जाती है तो अगर वो समाज में गलत करना चाहेगा तो उसका डट के विरोध करेगी, नहीं आप गलत कर रहे हो। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक जातिका या जातक से होनी चाहिए। अब मंगल से इतना डर क्यों, मंगल से खौफ क्यों? देखिए मंगल जो है सेनापति है, अपना एकाधिपत्य चाहता है, एकाधिकार चाहता है। मंगल चाहता है कि उसकी प्रेयसी, उसकी पत्नी, उसके जीवन संगनी उसके अलावा और किसी को केयर ना करे और किसी से बात भी ना करे, माने संकालु प्रवृत्ति। माना कि तेरी बातें शहद सी मीठी हैं, माना कि तेरी बातें शहद सी मीठी है लेकिन औरों से बात करती हो तो जहर लगता है, ऐसा है मंगल। मंगल जानता है कि उसकी पत्नी खराब नहीं है लेकिन वो चाहता है कि किसी और से बात ना करे। इसलिए मांगलिक योग का लोगों ने हब्बा बना रखा है, क्या मंगल जीवन साथी को मार देगा? तो प्रश्न उत्तर आएगा नहीं, जीवन साथी को मंगल नहीं मारेगा। फिर हब्बा क्यों? अब देखिए अगर मंगल आपका लग्न में है, चतुर्थ में है, सप्तम में है, तो आप क्या होंगे? आप थोड़ा एग्रेसिव नेचर के होंगे, बात बात पे आपको गुस्सा आएगा, रौब दिखाएंगे, एकाधिकार चाहेंगे। अभी वहाँ पे अगर व्यक्ति नान मंगली है तो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएगा और या तो घर से भाग जाएगा, नहीं तो आत्महत्या कर लेगा। क्या कर लेगा? आत्महत्या कर लेगा। अब डिप्रेशन ने धीरे धीरे जातक या जातिका को प्रॉब्लम क्रिएट किया। कारण तो मंगल है, मंगल का उग्र नेचर है, लेकिन मंगल मारता कैसे, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो धीरे धीरे मंगल क्या है, प्रेशर देता है। तो ऐसा जातक जो नान मंगली है वो घर छोड़ के भाग जाएगा, नहीं तो फिर आत्महत्या की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है, मैं कब तक इसको सहूँ, मैं कब तक इसको झेलूँ। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों जातक मांगलिक वाले हैं तो वो 19 वो 20 दोनों आपस में बराबर एक दूसरे को समझ लेते हैं, ठीक है, झगड़ा भी करेंगे, प्रेम भी करेंगे। मंगल क्या है? सेनापति है, राजा के अलावा किसी के आर्डर को फॉलो नहीं करता, सिर्फ राजा के आर्डर को फॉलो करता है। लेकिन अगर इसकी जातिका माने इसकी पत्नी भी मांगलिक निकल गई तो उसकी बात को सुनना पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि जो तेज जातक के अंदर है वही तेज जातिका के अंदर है। जितना प्रवाह
जातक के अंदर है उतना प्रवाह जातिका के अंदर है। दोनों के धमनियों में रक्त का उबाल सेम है, इसलिए सुबह झगड़ा करेंगे, शाम को साथ ही रहेंगे। रात को झगड़ा करेंगे, प्रातःकाल उठ के गुड मॉर्निंग बोलेंगे। फिर एक प्रश्न आएगा कि आखिर इतना होने के बावजूद मंगल मंगल में शादी कराने के पश्चात प्रॉब्लम क्यों रहती है। देखिए, प्रॉब्लम तो चाहे मंगल हो चाहे मंगल ना हो, प्रॉब्लम तो जीवन में आनी आनी है। उसका एक बेसिक थाट क्या है, बेसिक थाट यह है कि लग्न के लाड का सेवेंथ हाउस जस्ट अपोजिट होता है। आप उसकी स्थिति देख लीजिए और सप्तम भाव के देख लीजिए, ग्रह की स्थिति देख लीजिए, राशियों की स्थिति देख लीजिए, राशियों का स्वभाव देख लीजिए, ग्रहों का स्वभाव देख लीजिए, बहुत फर्क आएगा दोनों में। मेष लगन है, आपकी सप्तम भाव की स्वामी क्या हो जाएगा, शुक्र तुला। मेष और तुला में बहुत अंतर है। तो हम दो विपरीत लोग मिलते ही हैं, जब तक विपरीत लोग नहीं मिलेंगे संसार में निर्माण नहीं होगा। संसार में निर्माण करने के लिए दो विपरीत का मिलना बहुत आवश्यक है। ये भगवान ने सिस्टम बनाया है, ठीक है ना, परमात्मा ने सिस्टम बनाया है। प्लस माइनस जुड़ेंगे तभी कुछ सृजन होगा, प्लस प्लस में सृजन नहीं होगा। एक्स वाई जुड़ेंगे तभी सृजन होगा। तो यहाँ पे अगर ग्रह मैत्री अच्छी है, या सप्तम भाव माने मंगल योग होने के पश्चात ग्रह मैत्री अच्छी है, तो दोनों बहुत झगड़ा करेंगे, हर घंटे झगड़ा करेंगे, लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। आप देख लीजिए, आपकी अगर कुंडली मंगली है, आपके अंदर क्रोध बहुत है, लेकिन बिना पत्नी के आप रह नहीं पाएंगे, जीवन संगनी के बिना नहीं रह पाएंगे, उसके बिना आपको सब कुछ अधूरा अधूरा लगेगा, ठीक है ना। तो मंगल वाले प्रेम बहुत करते हैं, एकाधिकार चाहते हैं, किंतु अगर ग्रह मैत्री नहीं हुई तो आपस में दूरी बनना शुरू हो जाती है। इस दूरी को न बनने देने के लिए कुंडली में मिलान आवश्यक है, उनकी विचार अच्छे होने चाहिए, उनकी सोच एक जैसी होनी चाहिए। अगर मंगल आपस में है भी तो उनके अंदर दोष ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ग्रह मैत्री स्पेशली। अगर ग्रह मैत्री है तो बात करना वो आपस में प्रारंभ रखेंगे, ग्रह मैत्री नहीं है तो बात करना बंद कर देंगे, और जहाँ पे बात करना बंद वहीं रिश्ते फिनिश, धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि आपका 28 मंगल मांगलिक दोष खत्म कर देता है। उत्तर आएगा नहीं जी, जो भी योग आपके कुंडली में उत्पन्न हुए हैं वो जीवन पर्यंत चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 28 के बाद मंगल की रश्मियाँ आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, मंगल आपको छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। 28 साल हमारे शास्त्रकारों ने या हमारे विद्वानों ने इसलिए कहा कि 28 साल तक आदमी आते आते फुल मैच्योर हो जाता है, वो दूसरों के पैर में लगते हुए चोटों से दर्द को महसूस करता है। उसके पैर में चोट लगे जरूरी नहीं है, दूसरे की चोट को महसूस कर लेता है। इसलिए आफ्टर 28 ईयर के बाद वो जीवन में छोटी मोटी प्रॉब्लम को इग्नोर करना शुरू कर देता है, इसलिए उसका दाम्पत्य जीवन धीरे धीरे पथ पे आ जाता है, इसलिए 28 साल कहा गया। तो मंगल लग्न से लेके द्वादश भाव में जो पांच जगह बैठता है, ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मान लीजिए आपके लग्न में मंगल है, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, कंटिन्यू आप जो है काम करना चाहेंगे। अब यहाँ पे जीवन संगनी का अगर सप्तम भाव ठीक नहीं है या सप्तमेश जो है थोड़ा लेजी ग्रह है तो आपका झगड़ा होगा, क्योंकि आप जीवन संगनी से निरंतर प्रेम चाहेंगे, निरंतर प्रेम चाहेंगे, नहीं हो पाएगा। आप जीवन संगनी को सदैव अपने 180 डिग्री सामने चाहेंगे, कहीं भी रहो सामने ही रहो, ठीक है ना। मंगलिक योग वाले अपने पत्नी को नहीं छोड़ सकते, अपने पत्नी को सदैव साथ रखना चाहते हैं, एक झगड़ा का कारण ये भी है, वो चाहते हैं कि उसकी नज़रों के सामने ही रहे। अब मंगल चतुर्थ में बैठा है तो चतुर्थ दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सप्तम भाव पे। अब पति कहीं भी बैठा है उसकी नज़र जो है बस चतुर्थ में ऐसे ऐसे पत्नी पे ही रहेगी। आप कहीं भी जाओ मेरे नज़रों के सामने रहो, कहीं भी जाओ मेरे नज़रों के सामने रहो। ऐसे में क्या होता है, अगला पार्ट जो है खींच जाता है, क्या 24 घंटा आप आगे पीछे लगे रहते हो, आपको और कोई काम है, समाज देखते हो, यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस बनना शुरू हो जाती है। जबकि ये प्यार है, ये उसका अपनापन है, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता, उसको लगता है नहीं ये देखो जब भी पीछे पीछे लगे रहते हैं। चतुर्थ में बैठा मंगल ऐसी हरकतें, फिर चतुर्थ में बैठा मंगल शक बहुत कराता है। चौथी दृष्टि क्या होती है, आदमी कनखियों से देखता है ना ऐसे ऐसे, हाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे शक भी बहुत पैदा कराता है। सेवेंथ हाउस का मंगल क्या होता है, सैया सुख, सैया सुख के लिए वहाँ पे झगड़ा हो जाता है, हाई एनर्जी है, हाई लेवल है। अगर वही एनर्जी वही लेवल मिला तब तो ठीक है, ठीक है ना भाई। आपको भोजन जितना आपका उधर चाहिए उतना चाहिए, लेकिन अगला आदमी इतना बना पाता है कि नहीं, नहीं होगा तो यहाँ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी।
यहाँ का मंगल मारपीट भी कर लेता है, ठीक है ना, धक्का मुक्की कर लेता है, वो बोलता है प्रेम है, हमने मार दिया, प्रेम में मार दिया, हम आपसे नफरत थोड़ी ना करते हैं, जिससे आदमी प्रेम करता है उसी को मारता है, ऐसे बोलता है। एट्थ हाउस का मंगल, एट्थ हाउस का मंगल जनरेंद्री संबंधी प्रॉब्लम देता है, जनरेंद्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, एट्थ हाउस में इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसकी सेवंथ दृष्टि जो है होती है निजत्व पे, तो एट्थ हाउस का मंगल इमिडिएटली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, एट्थ हाउस का मंगल संतानोत्पत्ति के पश्चात, परिवार बढ़ने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके पहले नहीं। ट्वेल्थ हाउस का मंगल बारहवें मंगल, आप देख लीजिए जिसके जिसके बारहवें मंगल है ऐसा जातक निश्चित रूप से किन्हीं कारणों से हो सकता है, कारण कुछ भी हो, लेकिन वो व्यसन में अपने आप को संलिप्त कर लेता है, वो नशापत्ति करने लगता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर व्यसन आ जाते हैं, व्यसन की वजह से जब जीवन संगनी उसको रोकती है तो जीवन संगनी पे हाथ उठा देता है। या जातिका भी अगर ऐसी है वो व्यसन करने लगेगी, पति रोकेगा तो पत्नी पति पे हाथ उठा देगी, ठीक है ना। मंगल यहाँ पति पत्नी नहीं देखता, मंगल अपने प्रवाह में चलता है, मंगल अपने धार में चलता है, मंगल तेज है, मंगल प्रवाह है, तूफान है, ऊर्जा है, वो सब कुछ बहा ले जाने के लिए उद्यत है। तो मंगल यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस में बैठ के आदमी को नशा प्रवृत्ति करा देता है, ठीक है ना। तो पांच जगह जो मंगल का योग है यहाँ पे कुंडली मांगलिक योग बनाती है, ना कि मांगलिक दोष, क्या मांगलिक योग बनाती है, दोष नहीं बनाती, आज से क्लियर कर लीजिएगा। और यहाँ पे मंगल लग्न वाइज, मंगल लग्न वाइज प्रॉब्लम को कम ज़्यादा करता है, जिसके पास जो डिपार्टमेंट होगा वही चीज़ें वो देगा। जैसे मेष लग्न में मंगल अगर है, लग्न में बैठा है, सेवंथ हाउस मंगल का लग्न स्वामी है, खुद को नुकसान नहीं देगा, लेकिन सेवंथ हाउस पे मंगल की दृष्टि जो है पत्नी को नुकसान देगी। कैसे नुकसान देगी, मान लीजिए अगर पत्नी का कुंडली मंगली नहीं है, तो जब आप साथ साथ सोएंगे, जब आप साथ साथ आठ घंटे छः घंटे रात्रि में एक बेड पर रहेंगे, तो आपके शरीर से निकलने वाली जो रेस है वो आपके जीवन संगनी की रेस को तोड़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को धीरे धीरे ख़त्म कर देगी। आपके शरीर से निकलने वाली एनर्जी उसके रात्रि के नींद को भंग कर देगी, उसको ठीक से नींद ही नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो धीरे धीरे पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और अनिद्रा का शिकार हो जाएगी, धीरे धीरे स्ट्रेस में आना शुरू हो जाएगी। इस तरह मंगल धीरे धीरे उसको प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेगा, ठीक। मंगल ऐसा नहीं है कि चाकू लेके मारने आता है, ब्रह्मांड से ऊपर से वो चाकू लेके मारने नहीं आता, मंगल की रेज जीवन संगनी को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये साइंस है, इस साइंस को आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए बहुत से लोगों की कुंडली में जब मंगल चतुर्थ में होता है तो जातक के जन्म के उपरांत 3-4 साल तक माता बीमार रहती है, उसके बाद माता जी ठीक हो जाती हैं। कभी गौर किया आपने ऐसा क्यों? इसलिए कि माता उसको अपने वक्षस्थल से लगा के रखती है, 24 आवर रेज जो है माता को डिस्कनेक्ट करती है बच्चे की। बच्चे की रेज यद्यप बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन इतनी पावरफुल है कि माँ को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करती है उसकी रेज से, और माता धीरे धीरे बीमार रहना लगती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, आगे निकल जाता है, माँ के पास रहना बंद कर देता है, माता धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ऐसे ही कंडीशन कुंडलियों में देखने को मिलता है कि जातक जातिका शादी के पहले तक बिल्कुल स्वस्थ थे, जैसे उनकी शादी होती है शादी के बाद वो बीमार रहना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक की मंगल की रेज दूसरे की मंगल की रेज को सहन नहीं कर पा रही है, उसको डिस्कनेक्ट कर रही है, तोड़ रही है, अनिद्रा का शिकार बना रही है, और वो बोलता है नहीं हम प्रेम ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ का मंगल अगर चतुर्थ भाव में बैठा है, लग्न में बैठा है, तो बोला आप बताया क्या होता है, चतुर्थ में बैठा है, पत्नी पे शक बहुत करेगा, बहुत ज़्यादा शक करेगा, शक से जीवन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सेवन्थ हाउस में बैठा है तो एट्थ हाउस का लाड होकर सेवन्थ हाउस में बैठा है, स्वतः मौत का सौदागर है, पत्नी को मृत्यु भी दे सकता है। अगर सप्तम भाव यहाँ पे कहीं 6-8-12 में है या सप्तम भाव निम्न का हो गया तो पत्नी को मृत्यु भी दे देगा ऐसा मंगल, कोई डाउट नहीं है। अब यहीं पे जैसे वृषभ लग्न की कुंडली आएगी तब सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाएगा, ऐसे जातक अपने पत्नी को अपने माथे पे सर पे चढ़ा के बैठाएगा। क्यों? सप्तम को सिर पे बैठा रखा है, छोड़ेगा नहीं, झगड़ा करेगा लेकिन छोड़ेगा नहीं, मारपीट कर लेगा लेकिन उसके बिना रोएगा भी, अगर पत्नी मायके चली गई रोना शुरू कर देगा, हाँ तुलसीदास जी महाराज की तरह पीछे पीछे भाग जाएगा।
या अब आपको लग्न कुंडली के अनुसार मंगल को डिसाइड करना पड़ेगा। मंगल जहाँ जहाँ का स्वामी है उसके अनुसार फल देगा, ठीक है ना। मंगल सेनापति है, मंगल आक्रामक है, मंगल एक्सीडेंटल भी है, इसलिए सभी कुंडलियों में मांगलिक योग फलित नहीं होगा। कहीं कहीं मांगलिक योग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसकी पूर्व सूचना हमें ऋषियों ने प्रदान की है, ठीक है ना, हमारे ऋषियों ने प्रदान की है। जैसे मिथुन लग्न में, मिथुन लग्न में मंगल क्या होगा, खष्टेश हो जाएगा और एकादशेश हो जाएगा। खष्टेश क्या है, रोग का है, ऋण का है, झगड़ा लड़ाई का है। एकादशेश क्या है, लाभ का है लेकिन चोट का है। अब यहाँ का मंगल झगड़ा करेगा, चोट भी देगा। लग्न में बैठा है खुद को चोट मार देगा, फोर्थ हाउस में बैठा है माता को मार देगा, और फोर्थ हाउस से पत्नी के ऊपर शक करेगा, पत्नी के ऊपर हाथ उठा देगा। सेवेंथ हाउस में बैठा है पत्नी को रोग दे देगा, धीरे धीरे रोग से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वहीं पे कर्क लग्न में आप चले जाइए, सिंह लग्न में चले जाइए, मंगल अगर सप्तमेश ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, कर्क लग्न और सिंह लग्न का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, आप चेक करके देखिए, बहुत अच्छा नहीं होता। कारण क्या है, कारण ये है कि सप्तमेश शनि हो जाता है, शनि उदासीन ग्रह है। शनि क्या है, उदासीन ग्रह है, इसलिए दाम्पत्य जीवन थोड़ा उदासीन चलता है, ठीक है ना। इसलिए कर्क लग्न सिंह लग्न में थोड़ा सा उदासीनता रहती है, आप चेक करके देखें। यहाँ का मंगल कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्यों, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, सुख देना है, भूमि भवन वाहन संसार के जितने सुख हैं वो आपको मंगल प्रोवाइड कराएगा। आपको संतान ला के मंगल देगा, भाग्य की वृद्धि मंगल करेगा, कर्म आपका मंगल कराएगा। तो जो इसके पास इतने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट हैं वो अशुभ कैसे हो सकता है। जैसे लग्न चेंज होगा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, और डिपार्टमेंट चेंज होते ही ग्रहों की स्थिति अलग हो जाएगी, ठीक है ना। गुरु बहुत शुभ ग्रह है लेकिन मकर में और तुला में शुभ नहीं होते। मकर तुला में उनको रिस्पांसिबिलिटी ऐसी मिल जाती है कि वो सृजन करने के कारक होने के पास बावजूद प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो आपको कौन सी लगन है उसमें आपके ग्रह को क्या पावर दिया गया है। वहीं पे कन्या लगन में चले जाइए, कन्या लगन में मंगल बिल्कुल खतरनाक है, क्यों, पराक्रम भाव का स्वामी है, पराक्रम करता है, लेकिन साथ में उसकी मेष राशि अष्टम भाव की स्वामी है, अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व करती है। तो मंगल के पास क्या हुआ, मौत हो गई, पराक्रम हो गया। तो ऐसे जातक को अगर लग्न में बैठा है तो जातक को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चतुर्थ में बैठा है माता को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दृष्टि से जीवन संगनी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी देखिए मंगल जो है ना लग्न में चतुर्थ में सप्तम में द्वादश में यहाँ पे बैठ के सप्तम भाव पे दृष्टि डालता डालता है, सुख आपका खराब करेगा, सैया आपका खराब करेगा। तो हमारा विवाह किस लिए होता है, हमारा विवाह होता है संसार को ठीक से चलाने के लिए, संसार में सृजनात्मक योगदान करने के लिए। जब आप पति पत्नी इकट्ठे नहीं होंगे तो संसार में सृजन कहाँ से होगा, इसीलिए मंगल पे विचार किया जाता है। लेकिन हर लगन में मंगल की रिस्पांसिबिलिटी अलग अलग होती है। कन्या लगन मिथुन लगन का मंगल सर्वाधिक खतरनाक होता है, किसके लिए, जीवन संगनी के लिए, जातक के लिए भी होता है। तुला लगन में मंगल अगर बैठा है, ठीक है ना, तुला लगन में मंगल लगन में बैठा है तो पत्नी को सर पर बैठा कर रखेगा और पत्नी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पत्नी भी कभी कभी उठा देती है। और सप्तम भाव में मंगल सुग्रह ही बैठा है, पत्नी को कोई नुकसान नहीं करेगा, अपने ही घर में बैठा है, नुकसान क्या करेगा, ठीक है ना। इसलिए हर लग्न में मंगल की रिस्पांसिबिलिटी को देखते हुए भी आपको ये चेक करना है कि इस जातक की कुंडली मंगली है तो क्या क्या योग होगा, और मंगली है तो कैसे कैसे मारेगा, मंगल कैसे मारेगा ये भी आप अपनी कुंडली से या जातक की कुंडली से देख के चेक करके बता सकते हैं कैसे मारेगा, ठीक है ना, किन कंडीशन में मारेगा और कैसे मारेगा। बिल्कुल आप लिख के दे सकते हैं, भाई तू रेस से मारेगा, तेरी वजह से पत्नी आत्महत्या कर सकती है, तेरी वजह से पत्नी फांसी लगा सकती है, तेरी वजह से पत्नी आग लगा सकती है, तू पत्नी को आग लगा देगा। लगन कुंडली मंगल की स्थिति सप्तमेश की स्थिति इसको भी क्लियर करेगी। तो फिलहाल हमारी आज की चर्चा मांगलिक योग पे थी। तो मांगलिक योग है, किंचित परिस्थितियों में मंगल जो है मांगलिक योग में परिणाम सकारात्मक नहीं देता। जैसे आपके लिए दूध और घी अमृत जैसा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा सेवन कर लें या किंचित परिस्थितियों में कुछ खाने के पश्चात घी और दूध का सेवन कर लें तो जहर हो जाता है। तो है तो अमृत है तो योग, लेकिन लग्नानुसार इसके योग और संयोग दोनों बदलते रहते हैं। तो कभी कभी ज़्यादातर मांगलिक योग है लेकिन किंचित परिस्थितियों में मांगलिक दोष का भी निर्माण हो जाता है, इसके परिहार के ढेर सारे कारण हैं। चलिए फिर कभी चर्चा करेंगे, तब तक आपके लिए राधे राधे, जय माता, जय जगदम्ब, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।